अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज खान। बहुत सारी खुशखबरियां हैं, जबरदस्त खुशखबरियां हैं। वबा अपनी जगह पे मौजूद है, उसके हैंडलिंग के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, सारी दुनिया में कंट्रोलिंग वाला एनवायरमेंट है। अमवात हो रही है लेकिन कम हो रही है, पाकिस्तान में अमवात की स्पीड ज्यादा है। लेकिन तमाम सूरत हाल में दुनिया ने सीख लिया कि किस तरह से जिंदगी आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब ने कह दिया है हज होगा, हज होगा। तो माशाल्लाह से हज का ऐलान कर दिया गया है, अब उसके जाब्ता अखलाक तय किए जा रहे हैं। इसी तरीके से उमरा होगा, उमरे का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जहाज उड़ेंगे, ट्रेन चलेंगी, शॉपिंग होगी, ईद की तैयारी होगी और स्कूल्स खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी। ये सारी चीजें अब नए जाब्ता अखलाक एसओपीज के तहत होंगी। लोगों को सीखने का एक नया तकाजे जो है वो सीखने के लिए आगे बढ़ना है। तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी आगे बढ़ना है। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। वफाक जो है वो तय कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन बहुत हद तक नरम करना है, एसओपीज बना के देनी है। आवाम ने उसको फॉलो करना है, ताजरों ने फॉलो करना है, सनतकारों ने फॉलो करना है, फैक्ट्रीज ने फॉलो करना है। पंजाब ऑलमोस्ट तकरीबन उस एसओपीज के ऊपर आ चुका है, केपी उस एसओपीज के ऊपर चल रहा है। सिंध के अंदर थोड़ी सी सख्ती है लेकिन वो सख्ती अब नहीं रहेगी, केपी उस एसओपीज के ऊपर चल रहा है। सिंध के अंदर थोड़ी सी सख्ती है लेकिन वो सख्ती अब नहीं रहेगी क्योंकि जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने इसी तरह पे काम करेंगे। ताजरों के मसाइल हल करना, फैक्ट्रीज के मसाइल हल करना, एसओपीज जो बनाई दी गई थी, जो अंडरटेकिंग वाले डॉक्यूमेंट थे वो मुख्तदर हलकों ने सबने देख लिए, समझ लिए। जो शोर मचा था वहां तक पहुंच गया, उसके ऊपर अब मुराद अली शाह साहब और उनकी कैबिनेट के अंदर जो भी दो सहबाब हैं जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, जो बहुत ही सख्त अल्फाज में बात करते थे, उनमें अब नरमी आपने देखी होगी। बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया गया, कुछ लोग वापस आ गए हैं। वजीर सेहत मिसिंग थी अजरा पेचू साहब और उनकी वीडियो बयान आना शुरू हो गए, बाकी लोग साइड पर हो गए। खाम खान की फिगर्स ये वो उन चीजों के ऊपर आ गई, जो इदारे जिनको एक्टिव होना था वो हो गए हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे 9 तारीख और उसके बाद फिर आप सिनेरियो देखेंगे कि हुकूमत खुद से कहेगी कि भाई जो वफाक कहेगा आप हुक्म करें, हम उस पर मुल दरामद करेंगे। तो चीजें ठीक होंगी, ताजरों की आवाज पहुंच गई है, सनतकारों की आवाज पहुंच गई है, वजीर आजम पाकिस्तान और उनके साथ जो अहम इदारे हैं उनके लोगों ने बैठ के डॉक्यूमेंट बना के अब चीजों को आगे ले जाना शुरू किया और पाकिस्तानी इस पर बहुत खुश हैं। तो अब 9 तारीख को आप सुनेंगे इंशाल्लाह ऐलान और उसके बाद फिर एसओपीज होंगी। बस करना यह है कि सबने बहुत एहतियात से, बहुत एहतराम से फॉलो करना है। इसमें अपनी एहतियात करनी है, कारोबार का एहतियात करना है, चीजों को इस तरह से लेके चलना है कि इसमें वबा ना फैले, अमवात ना होने भी इसमें नज़्म ज़ब्त के अंदर आके काम करना है। इसके अलावा दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है, लिहाजा एहतियात एहतियात एहतियात। वो जो भूख, अफलास, खुदकशियां, डेली वेजर्स के मसाइल, सफेद पोश लोगों के मसाइल, उनकी हैंडलिंग का जो है वो वक्त आ गया, सनते चलेगी, काम होगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। इस सारे चीजों के ऊपर मामला आगे बढ़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, 7,000 गाड़ियां कराची पोर्ट पर खड़ी हैं जो जापान समेत दीगर मुल्कों से आई हैं, पाकिस्तानी लेकर आए हैं। 3.5 महीने से वो गाड़ियां खड़ी हैं, तकरीबन 2.5 अरब रुपए उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है। वो गाड़ियां इसलिए खड़ी हैं कि नए रूल्स के तहत जो गाड़ी लेकर आएगा वो डॉलर्स के अंदर, यहां डॉलर्स भी मुल्क में लेकर आएगा, वो टैक्स ड्यूटी डॉलर्स के जरिए पे करेगा। अब वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि फ्लाइट नहीं चल रही है, तो वो गाड़ियां गल रही हैं। शहजाद साहब हैं जो सेकेंड हैंड पोर्ट गाड़ियां आती हैं, उन्हें एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, बहुत परेशान है। मैं चंद दिनों के अंदर उनके साथ प्रोग्राम भी करूंगा, मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी एक और आपको बताता हूँ, खतरनाक बात है। होंडा ने, टोयोटा ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। पिछले 1.5 साल के अंदर तकरीबन 7 मरतबा कीमतों में इजाफा किया है। जापान के अंदर टोयोटा ने अपनी कीमतें, गाड़ियों की कीमतें 50% तक कम कर दी हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हुकूमत को घंटा बजाना पड़ेगा, ठीक ठाक वाला घंटा, वाला घंटा। इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम करेंगे, चीजें सामने लेकर आएंगे। तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा रोजगार वाबस्ता है। पाकिस्तान में टैक्स आता है, पाकिस्तान में डॉलर आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत की नजरें इस साइड पर नहीं है, जिसकी वजह से रोजगार के मौके भी जो लोगों के हैं, जो सेकेंड हैंड गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां जो है वो, यूज गाड़ियां जो है वो, रिफर्बिश गाड़ियां जो है वो सेल करते हैं, उस इंडस्ट्री को बड़े खतरात हैं। दूसरा ये जो सनतकार हैं, कुछ लोग मिलकर पाकिस्तान में आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोग मिल जाते हैं, वो
रेट्स बढ़ा देते हैं, डॉलर 167 पे गया, इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, डॉलर दोबारा 158 पे आ गया, इन्होंने पैसे कम नहीं किए, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, बात करेंगे इसके ऊपर, लाजमी तौर पर बात करेंगे। फिर एक और चीज है, किसी को अब बिल्कुल भी इस फहम में गुमान में नहीं रहना चाहिए कि नैब का ऑर्डिनेंस लूज हो रहा है, स्लो हो रहा है, आसान हो रहा है, नरमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 24 साल की जो स्ट्रगल है इमरान खान की, वो दिखा कुछ रहे, कर कुछ रहे, सख्त ऑर्डिनेंस आ रहा है नैब के बारे में, सख्ती होगी। चंद लोगों को जिनको उन्होंने टारगेट किया हुआ है, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स जिनको वो कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा लूटा है, उनको राय देने को खान तैयार नहीं है। बड़े इदारों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, नैब करवट लेगी और ज्यादा सख्त आएगी, लेकिन ताजरों को, सनअतकारों को, बिल्डर्स को बहुत रियायत मिली है और रियायत मिलेगी। और छेड़ा गया यह मामला, 18वीं तरमीम का बॉल भी छेड़कर वफाक को मजबूत करने के लिए पूरी गेम चल रही है। ये वाला साल इसी तरह से स्लो 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 गुजरेगा, बजट भी आ जाएगा, 18वीं तरमीम के ऊपर अपोजिशन बिजी रहेगी, नैब के ऊपर अपोजिशन बिजी रहेगी, अपने आप को बचाती बचाती चक्कर लगाती भी रहेगी, जमानतें होती रहेंगी, चक्कर लगाते रहेंगे, साल गुजरेगा। फिर 2021 सेनेट के इलेक्शंस का साल है, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, सेनेट के अंदर पीटीआई मजबूत होगी और आगे फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह कहना कि 18वीं तरमीम खाली ऐसी छेड़ दी गई है, 18वीं तरमीम अब नहीं रहेगी, उसका स्क्रिप्ट डिफरेंट है, वफाक को मजबूत करना है। अब जिसने भी जो भी शोर मचाना है वो मचाए, लेकिन सूरत हाल फैक्ट यही है। बहुत सारे लोग खफा हो रहे थे कि आप पाकिस्तान को खुलवाने की बात कर रहे हैं, मैं तो बात नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो इजलास हैं, जो सारी दुनिया में हो रहा है, वो फैक्ट्स मैं सामने लेकर आ रहा हूं। शॉपिंग सारी दुनिया में शुरू होगी, पाकिस्तान में भी शुरू होगी, ट्रेन चलेंगी, जहाज उड़ेंगे, पाकिस्तान में भी चलेंगे उड़ेंगे, ये सारे सिलसिले सारी दुनिया के अंदर जो हो रहे हैं वही मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। और वो मसले जो कि आप मुझ तक पहुंचाते हैं उनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। आज का मसला था ये, पाकिस्तान की 7,000 गाड़ियां कोर्ट पे गल रही हैं, बहुत जरूरी था। और ध्यान में रखिए, नैब एक्टिव होने जा रही है डेंजरसली, नए कानून के तहत 18वीं तरमीम मार्केट से आउट हो रही है। मुझे शोर शराबा था पीपल्स पार्टी का, शोर शराबा था पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमने यूं कर दिया। वो 300 अरब रुपए का राशन, 109 अरब रुपए बार बार कह रहे थे, वो 300 अरब रुपए का है खातों के अंदर, 300 अरब रुपए का पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर राशन तकसीम कर दिया, इसको पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं लोग ज्यादा है, भूख ज्यादा। अब मामला यह है, लोगों को भूख और राशन पे ना लगाएं, उसका हिसाब कर लेंगे, उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, उसकी ऑडिट हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल तैयारी कर रखी है इस मामले के अंदर, के कोरोना वाले मामले के अंदर जहां जहां पैसे कहां का इस्तेमाल हुआ उसका ऑडिट होगा, और लोगों को तो मालूम हो जाएगी चीजें कहां इस्तेमाल हुई है, कहां गई है। लेकिन लोगों को काम पे लगाना है, सिस्टम पे लगाना है, चीजों को आगे ले जाना है, चीजों को नॉर्मलाइजेशन पे करना है, सफेदपोशों की इज्जत करनी है, उनके जरिए काम करना है और पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। प्रोग्राम में खत्म कर रहा हूं, अपनी तजावीज जो मुझे दे रहे हैं मुझे मिल रही है, आप दोबारा भी मुझे और तजावीज भी दे सकते हैं, और कुछ लोगों को मैंने जवाब रिस्पॉन्ड भी किया है कि वो इसमें कुछ और मालूम फराहम करें, तो अपनी मालूम फराहम करें। फैसल अजीज खान फेसबुक के ऊपर, यही ट्विटर के ऊपर है फैसल अजीज खान, FAYSLAZIZKHIN, इसके ऊपर आप मुझे जो है वो भेज सकते हैं, अपनी तजावीज भेज सकते हैं, मसाइल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको हाईलाइट करूंगा, प्रोग्राम में खत्म करूंगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।